वेलकम दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए फरहान कम्युनिकेशन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। नमस्ते फ्रेंड, फरहान कम्युनिकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सीएससी का जितना भी बीएलई भाई है उसको जीएसटी रिटर्न नहीं करना है। तो क्यों नहीं करना है, क्या इसका रीज़न है, ये अगर पूरा जानना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो जो है हम आपके लिए ला सके और भी लेटेस्ट न्यूज़ आपके लिए हम ला सके। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गूगल में सर्च करना होगा कि जीएसटी न्यूज़ टुडे इन हिंदी, दैनिक जागरण या जो है बहुत सारा ब्लॉग है जो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। हम तो दोस्तों अभी सर्च किए हैं जो नई दुनिया एक जो है वेबसाइट है, वहाँ पे कल का जो एक अपडेट मिला है जीएसटी काउंसिल बैठक, जानिए अब आपको क्या कुछ सस्ता मिलेगा। तो यहाँ पे जो है और भी एक बात बोला गया है, जो जीएसटी काउंसिल की 22वीं बैठक में कोई अहम फैसला लिया गया जिसमें कंपोजिशन स्कीम को लिमिट बढ़ाना, रिटर्न दाखिल करना करने की प्रक्रिया को मासिक के बजाय तिमाही आधार पर भरना अनिवार्य करना और कुछ वस्तुओं पर टैक्स की जो है देरी को कम करना, ये सब जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे और भी एक बात जो है कही गई है कि जो 75,000 के अंदर जो बिजनेस करता था उसको जो है जीएसटी भरना होगा, वो अभी जो है 1.5 करोड़ तक कर दिया है। और 1.5 करोड़ तक अगर कोई बिजनेस करता है हर साल को तो जो है उसको जीएसटी करना होगा या जीएसटी दाखिल करना होगा। तो दोस्तों अभी बहुत ही अच्छा न्यूज़ है ये, जो अभी जितना भी सीएससी बीएलई भाई है उन लोगों को जो है अभी जीएसटी नहीं करना पड़ेगा और रिटर्न भी नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों कल का जो बैठक था, बैठक में साफ साफ बताया गया है कि जितना भी छोटे बिजनेसमैन हैं उन लोगों को जो है जीएसटी अभी रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा और वो जो लिमिटेशन था लिमिटेशन 1.5 करोड़ तक कर दिया है। तो दोस्तों आशा रखते हैं कि मेरी ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो हम आपके लिए ला सके और भी लेटेस्ट न्यूज़ हम आपको प्रोवाइड कर सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत।